आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज द स्टेटमेंट व्हिच प्रमोटेड नील बार्लेट टू प्रिपेयर द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड वाज ऑप्शन ए इज XeF has हाई बॉन्ड एनर्जी ऑप्शन बी इज़ एफ टू हैज एक्सेप्शनली लो बॉन्ड एनर्जी ऑप्शन सी इज़ पी टी एफ सिक्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट ऑप्शन डी इज़ ओ टू मॉलिकूल एंड जेनन एटम है वेरी सिमिलर एनर्जन एनर्जी ठीक है तो जो नील बार्लेट थे तो उन्होंने जब पी टी एफ सिक्स को ओ टू से रिएक्ट कराया था ओ टू से पी टी एफ सिक्स ने जब ओ टू को ऑक्सीडाइज किया था ओ टू प्लस के लिए तो उन्होंने देखा कि वो O2 प्लस ओटू को ओ टू प्लस से में ऑक्सीडाइज कर रहा है और जेनन को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है पी टी एफ सिक्स जेनन ठीक है जेनन को ऑक्सीडाइज करता है तो उन्हें लगा कि मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि O2 का जो और जेनन का जो एनर्शन इन्थेलपीज है एनर्शन एनर्जी है वो मोस्टली इक्वल है इट मीनस वेरी सिमिलर है तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट उन्हें लगा कि फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड प्रिपेयर किया जा सकता है और इसी कॉन्सेप्ट उन्होंने फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड को प्रिपेयर किया तो ओ टू का जो आयनाइजेशन एंथेल्पी होता है अलेवन सिक्सटी सिक्स किलोजुल पर मोल है ठीक है और जेनन का आयनाइजेशन एन्थेलपी अलेवन सेवेंटी किलोजुल पर मोल इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड को प्रिपेयर किया था तो हमारा ऑप्शन क्या होगा डी इट मीन्स ओ टू मॉलिकूल एंड जेनन एटम हैव वेरी सिमिलर आयनाइजेशन एनर्जी थैंक यू आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअ या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर